चीज़ें अगर आसानी से मिल जाती ना तो मेहनत का मज़ा ख़त्म हो जाता। अगर वही मंजिल में हम सफ़र तय करे बिना पहुंच जाते ना तो वो सफ़र का मज़ा ख़त्म हो जाता। मानते हैं कुछ चीज़ें वक्त लेती हैं, मगर वक्त एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाता है, पेशेंस। टाइम लगता है कुछ चीज़ों में, मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी खुद ही करनी पड़ती है, कोई आसपास नहीं होता, कोई हाथ पकड़ने के चलने के लिए भी नहीं होता, मगर खुद का हाथ पकड़ के जब हम चल के उस मंजिल को हासिल करते हैं ना जो करना चाहते हैं, उससे बड़ा मज़ा भी कुछ नहीं होता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी तंजल। आज हम जा रहे हैं मेन चढ़ाई की तरफ। सो यू नो रास्ते में कोई सुंदर सुंदर वादियाँ देखने को मिल सकती है। मेरे साथ है मॉम, लवकी सिस्टर, आंचल, मंजूरी एक्चुअली। उसने मेरी एक फोटो तक नहीं खींची। Guys, as usual, it's another day to actually, and Sakshi ka mood subah subah bekar hai kyunki humne zyada time spend nahi kara, but it's okay guys, we're gonna spend a lot of time in Hemkund Sahib, okay? Come on. Ye kya tha? Mahan hai ye ladka. So guys, aapko pata hai nadi kaun si hai, humse comment karke batao, aapne mere last vlog pe suna hoga kaun si nadi pe ja rahi hai. Isme doob ja tu jaake. Tum kyun nahi doob jate? गाइस यहाँ पे टेम्परेचर पता है 5 डिग्री के आसपास हो रहा है, गर्मी इतनी लग रही है भाई। और हम लोगों को देखो और इस लड़के को देखो, गर्मी इतनी लग रही है भाई। और ये जो मेरे को इन्होंने रात को मेरा काटा गया है ना, एक ही जैकेट डेनिम, आई एम जस्ट क्या, अरे क्योंकि रात को ठंड थी एक्चुअली। सो गाइस आज का ट्रैक 6 किलोमीटर का है और ऊपर ऑक्सीजन लेवल जैसे कि नहीं होता, हमें टाइम पे वापस आना है। और कल का ट्रैक था 14 किलोमीटर का। ओ माय गॉड, कौन कौन ट्रैकर्स हैं यार जो मुझे देखता है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आ जा आ चल, तो ये बस पीछे और कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं, आ जा। हम खचरों पे बैठे हुए हैं। सो गाइस हमने खच्चर लिए हैं क्योंकि बहुत खतरनाक चढ़ाई थी और यहाँ पे हाँ मैंने देख लिया, मैंने कर लिया आपको रिकॉर्ड, मैं अभी हूँ क्योंकि हम सब ने खच्चर लिए। मुझे 700 रुपये पड़ा और आगे वाली टीम को 1000 पड़ा एक खच्चर, हम लोगों को पर खच्चर 700, हम सस्ते में लिपट गए थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। घोड़ी बनाते बनाते घोड़ी बनना पड़ा, घोड़ी। सबके दोनों घोड़े वहाँ पानी पी रहे हैं, वो वाला घोड़ा वहाँ पानी पी रहा है, ऊपर से झरना आ रहा है एंड मेरा घोड़ा गिरा। सो गाइस फाइनली रीचिंग टू हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। ओ माय गॉड, दिस वाज इन द बकेट लिस्ट ऑफ दिस ईयर एक्चुअली। 10 तारीख को ही बंद हो जाएगा, आई एम सो ब्लेस्ड मैं यहाँ पर हूँ। अगर आपको नहीं पता, 2 मैक्सिमम 3 बजे तक लोग नीचे उतार देते आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन की नहीं होते। पहले यहाँ लंगर नहीं होता था जब मैं 14 साल पहले आई थी, बट अब लंगर दिख रहा है मुझे उस तरफ। अंदर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं जो यहाँ के पूजा पाठी होते हैं वो रुकते हैं। थक गए, सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, ऑक्सीजन कम है ना यहाँ पे। हाँ बट यार ऑनेस्टली बट पता है इट वाज जस्ट इम्पॉसिबल टू कम मेरे लिए एटलीस्ट विदाउट इसके। अच्छा कैसे सर, हमें कुछ खाना है, वी नीड फूड, वी नीड। हेलो चले दर्शन करें, आओ साथ चलते हैं। घोड़े से उतरते हैं ना पैर कांप रहे हैं, मेरे भी कांप रहे हैं वो ना अंदर वाली जगह जगह ना पेन हो रही है। हाँ सो गाइस पता है फाइनली रीचिंग हियर, मैं पहली बार इतने सालों में, मतलब मैं 14 साल पहले 3 बार आ चुकी हूँ, 2006, 2007, 2008 मैंने कभी भी ना ये सरोवर ना इतना खूबसूरत नहीं देखा। मतलब
पूरा जमा होता था। और वो जो उस तरफ है ना वो राम मंदिर है, और यहाँ पे जो स्टोरी है वो गुरु गोविंद सिंह जी की, अगर आपको नहीं पता हो, क्योंकि वो यहाँ आए थे तप करने के लिए। एंटर करते हुए मेन गुरुद्वारे पे, सब पता है पूरा जम जाता है। अभी बस 10 तारीख तक ओपन है, आपको जैसे मैं बता चुकी हूँ कि पूरा जम जाएगा। एन अरदास चल रही है, वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। बोलो जी वाहिगुरु। कितने साल हो गए यहाँ पे? 5 महीने यही है आप? हम वो कहाँ से? आप अमृतसर से? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अरे सो गाइस, चाय, दाल एंड आज खीर भी है, आज हम लक्की है। ठीक है, सो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे लक्ष्मण जी के मंदिर। पता ही पूरा ढका होता था जब मैं यहाँ से पहले आती थी। सो यहाँ पे ना कहा जाता है लक्ष्मण जी ने पूजा करी थी, तपस्या करी थी, कितने साल, मैं आपको पहुँच के बताती हूँ। अंदर सो गाइस दिस इज द मंदिर। मैं हूँ घाघरिया, मैं रुकी थी अल्पाइन गेस्ट हाउस के साथ, और कल हम लोग आ गए थे ट्रैक से नीचे और 5:30 बजे ये लोगों ने खच्चर के थे, लोग जल्दी आ गए थे। मैं मम्मा के साथ आ रही थी धीरे धीरे। सो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हम पैदल आए नीचे, मैं बता दिया। ठीक है, सी या एंड होप यू, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड आई सी यू।